पवन खेड़ा आगे दौड़ रहे हैं, बात समझे, यानी पवन खेड़ा तो महज चेयरमैन है, जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज जयराम रमेश है। तो ये जो अपने आप को समेट लिया है जयराम रमेश ने, उसकी जो बड़ी वजह है वो पवन खेड़ा के ये वीडियोज हैं जो राहुल गांधी के साथ आ रहे हैं। जयराम रमेश कांग्रेस पार्टी की करीना कपूर है, वो खुद के फेवरेट हैं। वो कौन है जिसने पू को मुड़ को नहीं देखा, वो जयराम रमेश है। वो सुबह उठेंगे, एक ड्राफ्ट तैयार करेंगे, उसको अपने ट्विटर से ट्वीट कर देंगे और काम खत्म। आपने आपको मन करे आप दो पेज पढ़ के उसमें से एक लाइन की खबर निकाल लो, उसको आप चला लो, वो आपकी मर्जी है, आपको इतना संघर्ष करना पड़ेगा। अखबार उसको छाप लें, वो भी अंग्रेजी के, हिंदी वालों से बात नहीं करते, वो हिंदी वालों से नहीं बात करते, उनको लगता है कि जो IIT IIM के पढ़े लिखे लोग हैं ना, बस वही पढ़े लिखे हैं इस देश में, बाकी सब ऐसे ही हैं। तो ज्यादातर नेताओं के अक्रॉस द पार्टी लाइन कॉर्पोरेट हाउस से संबंध होते हैं, ठीक है। तो रफाल पे बोलने के लिए कोई राजी नहीं होता था, ऐसे ही अब अडानी पे कम से कम कोई बोल तो रहा है। तो राहुल गांधी ने उस बात को रिकॉग्नाइज किया और उनके साथ उनकी टीम जो वीडियो बना रही है, उसके पीछे कारण ये है। चलिए, ये दिलचस्प है पवन खेड़ा और जयराम रमेश के हवाले से। मैं आपका पोस्ट देख रहा था एक्स पे, कांग्रेस का जो कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है उसको लेकर के कुछ नाराजगी आपने जाहिर की, जबकि यही वो डिपार्टमेंट है जिससे पत्रकारों का सबसे ज्यादा लेना देना होता है जहां तक मेरी जानकारी। कांग्रेस पार्टी के जो मीडिया विभाग के चेयरमैन जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हैं वो जयराम रमेश हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि कांग्रेस पार्टी में कोई कम्युनिकेशन नहीं है, ना ही ब्रीफिंग कर रहे हैं जब से लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आया है, ना डिब्रीफिंग कर रहे हैं, ना ये बता रहे हैं कि क्या करने वाले हैं। पहले क्या होता था जनार्दन द्विवेदी के समय, अजय माकन के समय, सुरजेवाला के समय, कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, उसके बाद डिब्रीफिंग होती थी, पार्टी क्या करेगी, पार्टी की स्ट्रैटेजी क्या है, चुनाव में कैसे जाएगी, कुछ नहीं हो रहा है, इसलिए मैंने लिखा वो। तो ये कोई रणनीति है या फिर किसी और? नहीं, ये मूर्खता है, कैसे बताता हूँ, इसके पीछे कहानी क्या है, कभी एक्सप्लेन करें थोड़ा इसको। तो उसके पीछे कहानी ये है कि आजकल सेबी जो चीफ है माधवी भुज, उनको लेके, अडानी को लेके जो खुलासे हो रहे हैं उसको लेके वीडियो जारी हो रहे हैं। हाँ, राहुल पवन खेड़ा जी, राहुल गांधी के साथ पवन खेड़ा, हाँ, मैं वही कहने वाला, ठीक है। तो उसका इम्पैक्ट कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट पे आ रहा है, जयराम पीछे छूट गए, पवन खेड़ा आगे दौड़ रहे हैं, समझे, यानी पवन खेड़ा तो महज चेयरमैन है, जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज जयराम रमेश है। तो ये जो अपने आप को समेट लिया है जयराम रमेश ने, उसकी जो बड़ी वजह है वो पवन खेड़ा के ये वीडियोज हैं जो राहुल गांधी के साथ आ रहे हैं। यानी अगर मैं उसके पॉलिटिकल मैसेज को डिकोड करूं तो ये लगता है कि शायद पवन खेड़ा जो है वो इस पोस्ट के लिए फ्रंट रनर हो गए हैं। अब वो अपने बॉस जयराम रमेश को ही, अब उनको मतलब उनसे आगे निकल रहे हैं वो? नहीं, निकल तो चुके हैं, वो निकल चुके हैं, लेकिन आधिकारिक रूप से जब तक आपको जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज मीडिया नहीं बनाया जाता तब तक तो आप फ्रंट रनर है ना। तो उसकी बड़ी वजह ये है, उन्होंने अपने हाल पे छोड़ दिया कि जाओ तुम्हें जो करना है कर लो। अब दूसरा क्या है ना, जयराम रमेश की जो राज्यसभा है वो मतलब चौथी बार राज्यसभा है वो, और मुझे लगता है कि आखिरी है वो इस बार। अब वो तो उन्होंने भी सोचा है, छोड़ो ना यार, मुझे क्या करना है, मेरी भी आखिरी है। लेकिन उनकी जितनी भी राज्यसभा हुई है वो गांधी फैमिली ने दी उनको, अब उनका इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि नजर नहीं आ रहा कुछ कि उनको राज्यसभा मिल जाएगी पांचवी बार। तो बहुत सारे कारण है। जब जयराम रमेश की बातचीत चली है तो जब ये भारत जोड़ो यात्रा, फिर सेकंड फेज यात्रा जब निकल रही थी उस समय की बात आप करें, जयराम रमेश बहुत एक्टिव रहे प्रेस कॉन्फ्रेंस और बाकी चीजों में। आप 2022 की बात कर रहे हो, तब यात्रा शुरू हुई थी, एक्टिव रहे, सब कुछ किया आपने। मैं आपकी बात कर रहा हूँ कि दो राज्यों में चुनाव चल रहा है, क्या आपने कहीं देखा है कि जयराम रमेश कहीं जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आए हो? आप इतनी बड़ी पार्टी के मीडिया चीफ हैं, आप पार्टी के महासचिव हैं, कि आपने कहीं जाके ब्रीफ किया हो कि भैया ये हमारी स्ट्रैटेजी है, ये हमारी रणनीति है, ये हम, या कोई हमला किया हो बीजेपी के ऊपर? वो तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा ना। इसलिए मैंने लिखा कि कम्युनिकेशन जो है ना वो इनकम्युनिकेट हो गया है, मतलब कुछ है ही नहीं उसके। लेकिन मसाला कहीं और है ना। मैं आपसे ये पूछ रहा था कि 2016 या 17 की बात है, मैं एक न्यूज रूम में काम कर रहा था, उस समय जयराम रमेश आए थे एक टॉक के लिए, और उनसे जब वहाँ जो हमारी एडिटर थी उन्होंने पूछा कि कैसे आप मोदी सरकार को वो करेंगे, तो बड़ा कैजुअली उन्होंने कहा कि वक्त के साथ सब हो जाएगा अपने आप। तो मैं पूछना ये चाहता हूँ कि जयराम रमेश का पूरा जो अप्रोच है चीजों को लेने का, वो वाकई वो एक्टिव रह करके लेने वाला है या कैजुअली जैसे अभी वो डील कर रहे हैं, जी छोड़ दिया। जयराम रमेश कांग्रेस पार्टी की करीना कपूर है, वो खुद के फेवरेट हैं। वो कौन है जिसने पू को मुड़ को नहीं देखा, वो जयराम रमेश है।
वो सुबह उठेंगे, एक ड्राफ्ट तैयार करेंगे, उसको अपने ट्विटर से ट्वीट कर देंगे और काम खत्म। आपने आपको मन करे आप दो पेज पढ़ के उसमें से एक लाइन की खबर निकाल लो, उसको आप चला लो, वो आपकी मर्जी है, आपको इतना संघर्ष करना पड़ेगा। अखबार उसको छाप लें, वो भी अंग्रेजी के, हिंदी वालों से बात नहीं करते, वो हिंदी वालों से नहीं बात करते, उनको लगता है कि जो IIT IIM के पढ़े लिखे लोग हैं ना, बस वही पढ़े लिखे हैं इस देश में, बाकी सब ऐसे ही हैं। समझे बात? हाँ, मैं समझ गया। जयराम रमेश जो है वो कांग्रेस पार्टी करीना कपूर है, खुद के फेवरेट। इस बयान पे अब उदाहरण उसका, हाँ हाँ प्लीज बताइए। राहुल गांधी ने LOP बनने के बाद दो स्पीच दी जिसकी बहुत तारीफ हुई कि भैया क्या स्पीच दे रहे हैं, वाह कमाल कर दिया। कांग्रेस पार्टी के मीडिया विभाग के चीफ ने एक ट्वीट तक नहीं किया उसके ऊपर, इससे बड़े तो क्या उदाहरण दूं, बाकी आप समझदार हो। तो मुझे ये समझाइए, जब मैं आ रहा था आपसे मिलने के लिए, हालांकि आपने खुद ही चर्चा कर दिया, तो मेरे मन में ये सवाल था पवन खेड़ा के वीडियोस को लेकर के, ये हुआ कैसे कि जयराम रमेश मतलब सब कुछ देख रहे हैं मीडिया के और ये वीडियोस आने लगे पवन खेड़ा के साथ, इसके पीछे कुछ तो कहानी होगी। जब कोई काम नहीं करेगा और किसी बंदे ने इनिशिएटिव लेके काम किया तो उन्होंने उसको रिकॉग्नाइज किया कि ठीक है भैया कोई तो कर रहा है पार्टी में काम, कोई तो है जो अड़ाने की बात कर रहा है। क्या था, जब रफेल आया था 2019 से पहले, तब जब राहुल गांधी ये कहते थे कि भैया प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है करवाओ किसी से, तो कोई राजी नहीं होता था क्योंकि सबके संबंध थे नील अंबानी से। अभी ज्यादातर नेताओं के अक्रॉस द पार्टी लाइन कॉर्पोरेट हाउस से संबंध होते हैं, ठीक है, तो रफेल पे बोलने के लिए कोई राजी नहीं होता था। ऐसे ही अब अडानी पे कम से कम कोई बोल तो रहा है, तो राहुल गांधी ने उस बात को रिकॉग्नाइज किया और उनके साथ उनकी टीम जो वीडियो बना रही है, इसके पीछे कारण ये है। चलिए, ये दिलचस्प है पवन खेड़ा और जयराम रमेश के हवाले से।